व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। सुबह के 6:16 हो गए हैं और अब मैं अपना टाइमर रीसेट कर रही हूँ और इसके बाद सीधे लग जाऊँगी पढ़ाई में। तो आज का जो फर्स्ट सेशन है, इसमें मैं करंट अफेयर्स पढ़ने वाली हूँ। मैंने डिसाइड किया है कि मैं हर दिन करंट अफेयर्स कम्प्लीट कर लूँगी, क्योंकि सर ने कहा है कि टोटल 10-12 वीडियोज़ में जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो कवर हो जाएंगे। तो अभी तो मैं बहुत पीछे हूँ, क्योंकि इन्होंने अपना कोर्स मई से ही स्टार्ट किया था और मैंने जून में इसे परचेज़ किया है, तो बहुत सारे बैकलॉग्स हैं, तो उनको भी मुझे कंप्लीट करना है। तो बस इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं हर दिन धीरे धीरे करके सभी सब्जेक्ट्स को कम्प्लीट कर लूँ। करंट अफेयर्स का सेशन लेने के साथ साथ मैंने इन्हें नोट डाउन भी किया था, और मैं इन्हें नोट डाउन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इन्होंने कहा था कि ये नोट्स प्रोवाइड करेंगे और इन्होंने नोट्स भी प्रोवाइड किया है। बट अगर आप नोट्स का प्रिंट आउट निकलवाने लगेंगे तो बहुत सारा नोट्स इन्होंने दिया है, और साथ ही साथ जो क्लासें पढ़ाते हैं उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करते हैं और बताते हैं कि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। बट जब उसी का नोट्स मिलता है तो बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो हैं उसमें लिखे होते हैं, और इतना ज़्यादा कुछ लर्न करना 2 महीने में पॉसिबल नहीं है। अगर हम लर्न भी कर लेंगे तो इतना कुछ रिटेन करना ये भी मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल होगा। तो इसीलिए मैं अपने तरफ से एक नोट्स बनाती जा रही हूँ। यहाँ पर मेरा करंट अफेयर्स का सेशन कंप्लीट हो गया है और अब मैं आपको दिखाऊंगी अपने नोट्स कि मैंने कैसे नोट्स बनाए हैं। तो सर ने जितने भी पॉइंट्स लिखवाए थे सभी को मैंने नोट डाउन किया है, और टोटल लगभग 30 पॉइंट्स हैं। और आज का जो टॉपिक था वो था साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और कल आपने मुझे जब करंट अफेयर्स का नोट्स बनाते देखा होगा तो कल मैं एक रफ कॉपी बना रही थी क्योंकि मेरे पास कोई भी न्यू कॉपी नहीं था। बट हाँ, आज मेरे पास न्यू कॉपी है तो मैं न्यू कॉपी में अच्छे से बना रही हूँ। इसके बाद मैं अपना टाइमर ऑफ कर दूंगी और इस तरह से आज मॉर्निंग आ रहा है, मैंने 1.5 घंटे की पढ़ाई पूरी कर ली है, और इसके बाद मैं चली जाऊंगी किचन में किचन का काम करने के लिए। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताने वाली हूँ। अगर आप इंटरनेट पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो आपको भी पता होगा कि आजकल 75 हार्ड चैलेंज बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है। और अगर आपको नहीं पता है 75 हार्ड चैलेंज के बारे में तो मैं आपको बताती हूँ। 75 हार्ड चैलेंज कुछ इस तरह के, इसमें 5 काम आपको हर दिन करना है। सबसे पहला काम यह है कि आपको हर दिन अपनी एक सेल्फी लेनी है लगातार 75 डेज तक, और देखना है कि आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आएँ। दूसरा ये करना है कि आपको किसी भी मोटिवेशन बुक के 10 पेजेस हर दिन पढ़ने हैं। तीसरा ये है कि इसमें 4 लीटर वाटर हर दिन कंज्यूम करना है। चौथा ये है कि आपको एकदम स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना है, कोई भी बाहर का सामान नहीं खाना है। और पांचवा ये है कि आपको 45 मिनट का वर्कआउट दिन में 2 बार करना है। एक वर्कआउट आप घर में कर सकते हैं और दूसरा वर्कआउट आपको घर से बाहर जाके करना है। तो ये है 75 हार्ड चैलेंज। जब भी मैं इस तरह के चैलेंजेस के बारे में सुनती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, और एक्चुअली मैं भी अपने लाइफ में चैलेंजेस लेना पसंद करती हूँ क्योंकि चैलेंजेस कहीं ना कहीं हमारे लाइफ को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाते हैं। तो मैं अपने वर्जन का 75 हार्ड चैलेंज क्रिएट करना चाहती हूँ, और मेरे वर्जन का जो 75 हार्ड चैलेंज है वो कुछ इस तरह है कि मुझे हर दिन 7 आवर की स्टडी करनी है लगातार 75 डेज तक। सेकेंड ये है कि हर दिन मैं किसी भी मोटिवेशनल बुक के 10 पेजेस तो ज़रूर पढ़ूंगी। थर्ड ये है कि मुझे 4 लीटर वाटर कंजप्शन करना है। फिफ्थ ये है कि मुझे स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना है। इसके अलावा मुझे रिफाइंड शुगर बिल्कुल ब्लॉक करना है अपने लाइफ से, चाहे कुछ भी हो जाए 75 डेज तक मैं किसी भी तरह से रिफाइंड शुगर कंज्यूम नहीं करूँगी। और फिफ्थ ये है कि मैं हर दिन 30 मिनट का वर्कआउट करूँगी अपने घर में, क्योंकि मेरे लिए बाहर जाकर वर्कआउट करना पॉसिबल नहीं है। तो ये है मेरे वर्जन का 75 हार्ड चैलेंज। आपके वर्जन का क्या है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं कि दे फेल 75 हार्ड चैलेंज, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर इससे हमारी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज आता है तो हमें इसे फॉलो करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए फॉलो करने के लिए। तो बस देखती हूँ कि आखिर 75 डेज के बाद मेरे लाइफ में कोई शिफ्ट आता भी है या नहीं आता है। और मैं आपको बता दूँ कि जो हार्ड चैलेंजेस होते हैं ना, वो हमारी लाइफ को सच में चेंज करते हैं। देखिए, जो ईजी काम है वो हर कोई दुनिया में कर रहा है। एक्सरसाइज करना आपको भी पसंद नहीं होगा, किसी और को भी पसंद नहीं होगा, लेकिन हाँ, जो एक्सरसाइज कर लेता होगा वो उसकी बॉडी फिट होती होगी। पढ़ाई करना आपको भी पसंद नहीं है, मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन हाँ, जब मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ तो ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ने का मन करता है, मुझे भी नहीं ही करता है, बट मैं अपने आप को फोर्स करती हूँ, फोर्स करने के बाद पढ़ाई करती हूँ। तो इसी तरह से हर कुछ होता है।
लाइफ में जितनी भी चीज़ें हमारी लाइफ में हैं वो सबको हार्ड ही लगती है करने में, बट जो उसे कर लेता है वो कहीं और पहुंच जाता है और जो नहीं करता है वो उसी जगह पर रह जाता है और कभी कभी तो उसकी स्थिति उससे भी ख़राब हो जाती है। मैं तो आपको भी कहूंगी कि आप भी अपने वर्जन का 75 हार्ड चैलेंज क्रिएट कीजिए और लगातार 75 दिनों तक उसको फॉलो कीजिए बिना रिज़ल्ट की चिंता किए, क्योंकि जब भी हम कोई काम करते हैं ना तो हम बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं कि मेरा रिज़ल्ट आएगा या नहीं आएगा या नहीं, बट बिना रिज़ल्ट की चिंता किए आप बस ये सोचिए कि आपको 75 दिन तक ये काम करना है और फिर देखिए कि कुछ चेंज होता भी है या नहीं, या ये केवल एक मिथ है। आज मेरे 30 डेज 7 आवर्स चैलेंज का 7 दिन जो है वो कंप्लीट हो गया है और इस पूरे एक वीक में मैंने हर दिन बहुत कुछ पढ़ाई की है, बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं। अगर मैंने चैलेंज नहीं लिया होता तो मैं पहले की तरह ही ससुराल में केवल 4.5 से 5 घंटे तक की पढ़ाई कर पाती और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है पढ़ाई करने के लिए, बट नहीं, जब मैंने ये चैलेंज लिया तो मैंने एनी हाउ 7 आवर्स कंप्लीट भी किया है। और मैं इस पूरे एक्सपीरियंस से एक बात तो कह सकती हूँ कि जब तक आप कोई चैलेंज नहीं लेंगे आपकी एफिशिएंसी नहीं बढ़ेगी। जितना टफ आप खुद को चैलेंज करते हैं आपकी एफिशिएंसी उतना ज़्यादा अधिक होती है। और याद रखिए कि ये जो हार्ड चीज़ें हैं ना, जो टफ चीज़ें हैं, जो हमें करने में मन नहीं लगता, पढ़ाई करने का मन नहीं करता है, थकान लगती है, यही सारी चीज़ें हमारे लाइफ में ग्रोथ लाती हैं। अदरवाइज सारा काम करने के बाद बहुत सारी हाउसवाइफ्स थक जाती हैं और सो जाती हैं, तो फिर उनमें और आप में डिफरेंस क्या होगा? तो फिर कैसे आप उनसे अलग होंगी और कैसे आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाएंगे? फाइनली मैंने घर का सारा काम कंप्लीट कर लिया है और अब मैं आ गई हूँ अपने सेकेंड स्टडी स्लॉट में पढ़ाई करने के लिए। तो अभी मैं अपना टाइमर ऑन कर दूँगी और टाइमर ऑन करने के बाद सीधे पढ़ाई करने लग जाऊँगी। तो कल मैंने ज्योग्राफी का सेशन नहीं अटेंड किया था, तो आज मैं पढ़ने वाली हूँ सबसे पहले ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में आज का जो टॉपिक है वो है हमारा भारत की तटीय सीमा। भारत की स्थलीय सीमा तक मैंने लास्ट पढ़ा था और आज मैं पढ़ने वाली हूँ भारत की तटीय सीमा। और मैं आपको बता दूँ, मेरे से बहुत से लोग पूछते हैं कि हर दिन हर सब्जेक्ट कैसे कवर करें। देखिए, अगर आपसे एक दिन में हर सब्जेक्ट कवर नहीं हो रहा है तो आप ऑल्टरनेट कर दीजिए। जैसे मैंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी को ऑल्टरनेट कर दिया है, मैं एक दिन हिस्ट्री पढ़ती हूँ एक दिन ज्योग्राफी, क्योंकि ये दोनों बहुत ज़्यादा लास्ट टॉपिक है। इसमें जो टीचर्स हैं बहुत सारा नोट्स भी लिखवाते हैं, तो पॉसिबल नहीं है कि दोनों सब्जेक्ट को एक ही दिन पढ़ा जाए। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि इन्हें ऑल्टरनेट डे पर कर दिया है। और इससे क्या होता है कि मुझे लगता है कि मैंने दोनों सब्जेक्ट को इक्वली पढ़ा है और सारे कॉन्सेप्ट जो अच्छे से समझ भी आते हैं। और इसका एक और फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो भी बना हुआ रहता है, क्योंकि आप लगातार 2 लेक्चर्स अटेंड करेंगे ना जिसमें केवल आपको कोई ज्ञान दे रहा है, आप सीख नहीं पा रहे हैं, आप पैसिव हैं जिसमें, तो उसमें आपको बोरियत लगेगी, आपको मन नहीं करेगा। बट हाँ, अगर आप हिस्ट्री को मैथ्स के साथ और ज्योग्राफी को रीजनिंग के साथ कंबाइन कर देंगे तो ये दोनों अलग अलग टाइप के सब्जेक्ट हो जाएंगे। एक में आप केवल सीखेंगे और जब आप मैथ्स बनाएंगे तो आप कंस्ट्रक्टिव होंगे, आप अपना दिमाग भी लगाएंगे। तो बस इस तरह से आप सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके पढ़ाई कर सकते हैं। हे व्यूअर्स, दोपहर के 2 बज गए हैं। मैं तो केवल 15 मिनट रेस्ट करने गई थी बट मुझे नींद लग गई और अभी जब नींद खुली है तो 2 बज गए हैं। तो अभी मैं अपनी पढ़ाई का थर्ड स्लॉट स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो थर्ड स्लॉट में मैं पढ़ूँगी मैथ्स। तो चलिए, अब मैं अपना टाइमर ऑन कर देती हूँ और इसके बाद मैं मैथ्स पढ़ने में लग जाऊँगी। यहाँ पर मैं मैथ्स विनर इंस्टीट्यूट या फिर आप आदित्य पटेल सर भी सर्च करेंगे तो वो आपको मिल जाएंगे और उन्हीं से मैं प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रही हूँ। और आज जो मुझे अटेंड करना है, आज मुझे लेक्चर 3 और 4 मैथ्स का अटेंड करना है। कल मुझे एक कमेंट आया था जिसमें मेरी सब्सक्राइबर ने मेरे से पूछा था कि अगर यूट्यूब पर फ्री में कहीं पर अच्छे से मैथ्स पढ़ना है तो कहाँ से पढ़ सकते हैं। तो मैं एक टीचर को जानती हूँ, आदित्य रंजन सर, उनका एक फाउंडेशन कोर्स है, उसमें 60 वीडियोस हैं और YouTube पर फ्री अवेलेबल है, तो आप वहाँ से जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। आपको केवल YouTube पर सर्च करना होगा कि फाउंडेशन कोर्स बाय आदित्य रंजन सर, तो आपको उसका सारा कोर्स मिल जाएगा और वहाँ से आप एकदम बेसिक लेवल से तैयारी कर सकते हैं मैथ्स की। 2 hours later. बट हाँ, आपको मैथ्स ऐसे पढ़ना है कि अगर आपने फर्स्ट टॉपिक परसेंटेज पढ़ा, क्योंकि कोई भी टीचर ना सबसे पहले परसेंटेज टॉपिक ही पढ़ाते हैं, तो जैसे अगर आपने फर्स्ट टॉपिक परसेंटेज पढ़ा है तो फिर आप तुरंत उसके बाद दूसरा टॉपिक मत पढ़ने लग जाइए। परसेंटेज के बाद प्रॉफिट एंड लॉस मत स्टार्ट कीजिए। परसेंटेज टॉपिक जैसे आपने कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद आपको परसेंटेज के 400 से 500 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे।
अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि परसेंटेज के 400-500 क्वेश्चन मिलेंगे कहाँ। तो सिंपल है, आप SSC की किरण पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर बुक ले लीजिए, उसमें हर टॉपिक से आपको 700 से 800 और किसी किसी टॉपिक में तो 1500 तक क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो फिर आप जब उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपका हर चैप्टर पर बहुत अच्छा पकड़ बन जाएगा और उसके बाद आप किसी भी कॉन्सेप्ट को भूलेंगे नहीं। क्योंकि मुझे बहुत लोग कहते हैं कि मैथ्स तो मैं सीख जाती हूँ लेकिन जब सेट सॉल्व करती हूँ तो वहाँ पर क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो इसका रीज़न यही होता है कि आपके प्रैक्टिस में कमी है। अगर आप परसेंटेज टॉपिक के 500 से 600 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हर एक टाइप आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से हर टॉपिक को आपको कंप्लीट करना है और फिर देखिएगा कि आप एक दिन मैथ्स में प्रो हो जाएंगे। तो ये तो थी मैथ्स की बात। तो मैथ्स पढ़ने के बाद मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है 1857 का क्रांति, क्योंकि अभी जो हिस्ट्री में सर पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हैं, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हमारे सिलेबस में स्पेसिफिकली दिया हुआ है, तो हिस्ट्री में यही पढ़ाया जा रहा है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ठीक है, मैंने पढ़ाई की है कुछ आंदोलन के बारे में, तो चलो उससे रिलेटेड MCQs भी लर्न कर लूँ। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो बुक है महेश कुमार बर्नवाल की, इसमें एक पेज में इतना सारा क्वेश्चन दिया रहता है कि सबको अच्छे से लर्न करने में आपका बहुत सारा टाइम जाएगा। क्योंकि जब आप चीज़ों को मगअप करते हैं ना तो उसमें आपकी एनर्जी और टाइम दोनों ज़्यादा आपको खर्चा करना पड़ता है। तो इस तरह से मैंने आज का भी स्टडी चैलेंज कंप्लीट किया है। पर हाँ, आप सब लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप में से कितने लोग चाहते हैं कि मैं अपने इस 30-day चैलेंज को 75 हार्ड चैलेंज में कन्वर्ट करूं। और अगर आप भी कोई इस तरह का चैलेंज लेना चाहते हैं तो कमेंट में एक हार्ट ज़रूर सेंड कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह की वीडियोस के साथ आपसे मिलती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।